So friends, today we are going to study the honing, which is a part of metal finishing process है. एक metal finishing process है. That means metal cutting process नहीं है. Metal cutting के बाद जब metal बन जाता है, part पूरा बन जाता है, तो उसको एक finishing process होती है, ताकि उसको एक luster provide की जाए. तो honing एक process है. वो क्या होता है? So let us see about that. Honing is a finishing process. And it is an abrasive or grinding process. जैसा कि grinding process होता है, वैसा ही मिलता जुलता है. But it is for finishing various shapes. बहुत सारी shapes को finish करने के काम आता है. Hone क्या होता है? The hone, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, it is a tool which composed of abrasive material in the form of stick, which is used in honing process is called hone. तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है जो आपको तो इसके ऊपर ये जो वन नंबर पे मार्क किया हुआ है ये इसकी स्टिक्स हैं जो इसको एब्रेसिव लगी होती हैं और ये उसको मेटल को काटता है. तो यहाँ पे देखिए कि वर्क पीस स्टार्टिंग में अगर माइन्यूटली देखा जाए तो इस तरह से कुछ उसके वेवीनेस होती है ऊपर. तो वेवीनेस जो होती है वो जब एब्रेसिव से उसको थोड़ा सा हम रब करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके जो वेवीनेस है वो कम हो जाती है. आफ्टर दिस इट हैपेंस लाइक दिस. तो यहाँ प्रैक्टिकली देखिए एक रियल होन दिखाया गया है. तो इसमें देखिए ये स्टिक दिख रही है एब्रेसिव और इसके ऊपर एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ होता है. हम आगे इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे. द होन रेसिप्रोकेट एंड रोटेट इन वर्क पीस. तो ये रेसिप्रोकेट भी करता है एंड रोटेट भी करता है वर्क पीस में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों में ही ये काम होता है. तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा दिखाया भी जा रहा है कि एक सिलेंडर ब्लॉक है तो उसके इंटरनल जो सिलेंडर है, तो बिकॉज दिस इज अ फिनिशिंग प्रोसेस तो बड़ा इसको प्रिसाइज कटिंग करते हैं, प्रिसीजन वाली कटिंग के लिए यूज होता है. तो होनिंग रिजेंबल्स टू टर्निंग एंड डिफरेंस इज इन द नंबर ऑफ कटिंग एजेस. तो जैसे कि टर्निंग में कटता है तो यहाँ पे टर्निंग एजेस बहुत सारी होती है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अंदर हम डाल रहे हैं और ये होता है और उसका जब उस ऊपर से हम इसका जो लॉक है वो जब इसको रोटेट करते हैं तो ये जो स्टिक्स हैं इसकी बाहर की तरफ निकल आ जाती हैं. तो लेट अस डिस्कस होन के एब्रेसिव मटेरियल कौन से होते हैं. कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड होता है. स्टील पार्ट्स के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है. सेरामिक्स और हार्ड कार्बाइड्स के लिए डायमंड होता है. और मेटल रिमूविंग जो होती है इट इज नॉट मोर देन 0.1 मिलीमीटर टू 0.25 मिलीमीटर. तो कई बार ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि होनिंग में कितना मटेरियल कटता है, तो 0.25 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं कटता है. स्पीड कितनी है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 meters per minute. इसके एरर्स कौन से रिमूव होते हैं? अब बेसिकली ज्यादातर होनिंग जो है वो रीमिंग के बाद होता है. ड्रिलिंग होती है, फिर रीमिंग होती है, फिर होनिंग होती है. तो ज्यादातर ये होल्स के या राउंड जो जॉब्स हैं उनके लिए ही यूज होता है. तो ये एरर्स कौन कौन से हैं? जैसे ये देखिए कि बैरल है. बैरल मींस कि सेंटर में से बड़ा हो गया है और उसको हमने एक पैरेलल बनाना है. बेल माउथ एक बेल शेप का बन गया है. बोरिंग मार्क्स मींस कि बोरिंग हुई है और उसके निशान देखिए अंदर की तरफ निशान लगे हुए हैं. ये गोल गोल निशान लगे हुए हैं उनको साफ करने के लिए. टेंडम कहीं कहीं कोई निशान लगे हुए हैं, मतलब जगह उसकी स्टैगर हो गई है. जॉब की एक जॉब इस तरह है, आधा फिर पोर्शन इस तरह है, फिर इस तरह से स्टैगर हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए. आउट ऑफ राउंड मीन्स वो ओवल शेप हो गया है. रेनबो कुछ इस तरह से रेनबो टाइप का गोलाई में आ गया है. रीमर के मार्क्स, रीमर मैंने बताया कि आफ्टर ड्रिलिंग रीमर लगता है और उसके बाद होनिंग होता है. तो रीमर जो है वो भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है, लेकिन वो थोड़ा कम फिनिशिंग है. होनिंग जो है वो एक तरह का ज्यादा फिनिशिंग जॉब है. तो टेपर, कोई जॉब इस तरह की टेपर होगी या उसको पैरेलल में ले आना. अंडर साइज हो गया उसको थोड़ा साइज करने के लिए भी, लेकिन साइज के मैंने लिमिट बता दी 0.1 से लेकर 0.25 तक. वेवीनेस में भी ये होनिंग यूज किया जाता है. Now the workplace is clamped on the work table. कहीं पे भी जहां पे solid, क्योंकि because vibrations होंगी तो वहां पे उसको clamp कर दिया जाता है. Bore axis must be up because this is very finishing process और एक तरह का बड़ा precise तरह का है,
तो बोर एक्सिस जो है जो बना हुआ है, बोर पहले ही बना हुआ है जॉब में, वो हमेशा इट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ होन। एंड एब्रेसिव स्टिक ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड ये होन के ऊपर माउंट कर दी जाती है। स्ट्रोक एंड वर्किंग लेंथ मस्ट बी एडजस्टेड, कहां तक हमने इसको करना है तो वो एडजस्ट कर लेना हमने। स्लो रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज गिवन टू द होन व्हेन इट रोटेट्स इन द वर्क पीस। तो रोटेशन तो अच्छी है लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन हल्की होती है। होन टू बी होन इज फ्लडेड विद ए लुब्रिकेंट लाइक पैराफिन। लुब्रिकेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लुब्रिकेंट लगा होता है। एंड लुब्रिकेंट इज यूज फॉर टू पर्पसेस, वन इज टू कैरी अवे द हीट, इसमें जो हीट जनरेट हो रही है बिकॉज बहुत प्रिसाइज हो रही होती है और कहीं ना कहीं मटेरियल भी हमारा हार्ड होता है, पहले से ही फिनिश लगभग साइज उसका कंप्लीट हो चुका होता है। एंड सेकेंड इज टू फ्लश अवे द चिप्स, जो चिप्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। नाउ होन क्या है, होन इज ए मेटल फ्रेम विच होल्ड्स द एब्रेसिव स्ट्रिंग। अब होन जो है एक तरह का मेटल फ्रेम है, आप मशीन में भी लगा होता है तो होन अलग से लगा होता है। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटरनल होन्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल होन। इंटरनल होन जो है वो इंटरनल होल्स के लिए होता है। तो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन भी पूछ ली जाती है, तो ड्राइविंग मोटर है, यूनिवर्सल जॉइंट जो है दो हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके एक्सिस के बिल्कुल सामने ही मोटर, ड्राइविंग मोटर मिल जाए। तो अगर दूर पे लगी हुई है तो वहां से एक जगह से एक यूनिवर्सल जॉइंट लगेगा, फिर दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट, और आगे जाके होनिंग टूल की मूवमेंट होती है। बीच में माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट है सो दैट कि कितनी हमने उसमें मेटल रिमूव करना है। जब होनिंग स्टिक अंदर चली जाती है उसके बाद उनको माइक्रोमीटर से एडजस्ट कर दिया जाता है। वर्क पीस है और होनिंग टूल की मूवमेंट आपको पता है टू एंड फ्रो भी है। एक्सटर्नल होन में देखिए कि यहाँ पे जगह बनी हुई है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल पीस आ सकता है और उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है सो दैट बाहर की फिनिशिंग उसकी बन सके। When a hone is used to finish an internal surface, it is called internal. And abrasive sticks are mounted on expanding head. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो head है इसका, ये expand हो सकता है, बाहर की तरफ निकल सकता है, which allows the stick to move outside during honing. Honing के time में वो थोड़ा बाहर निकल जाती है जब honing होती है। तो आपने देखा कि cylinder के अंदर जब गया था तो वो कम साइज था, उसके बाद हमने उसको टाइट किया तो वो एक्सपेंड हो गया था। यूनिवर्सल जॉइंट्स आर यूज्ड टू अलाइन द होन विद होल एक्सिस एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल सिलेंडर्स। डिजायर्ड होनिंग प्रेशर इज आल्सो सेट, कितना होनिंग का प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तो वो ज्यादा कट जाएगा मेटल, तो कितना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर होगा उस हिसाब से वो बाहर निकलेंगे और जो स्टिक्स हैं वो बाहर निकलेंगी। तो एक्सटर्नल होन्स में क्या होता है, एक्सटर्नल होन में इस तरह का होता है जो कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, एक वर्कर जो है उसको उठा रहा है, तो ये बाहर वाले जो उनके लिए हैं, तो इस तरह से ये देखिए तीन स्टिक्स दिखा रहा है उसके हाथ में है। थोड़ा फास्ट है तो आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि ये बाहर वाले के लिए इसको हम कितना करना चाहते हैं, वो स्टिक्स के हिसाब से वो उसको काट देगा सिलेंड्रिकल सरफेस को। नाउ एब्रेसिव मटेरियल्स मैंने बता ही दिया आपको कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड है। ग्रिट साइज मींस उसके एब्रेसिव के पार्टिकल्स का साइज कितना है। अगर रफिंग करना है हमने होनिंग तो 150 से लेकर 180 तक होना चाहिए और फिनिशिंग के लिए 600 होना चाहिए ग्रिट साइज। और बॉन्डिंग मटेरियल क्योंकि स्टिक लगी होती है तो ग्रिट को वो किसी बॉन्ड से जोड़ना पड़ता है विच इज वैक्स और सल्फर और रेजिन। वैक्स मीन्स मोम जो होता है, सल्फर और रेजिन इससे होता है। नाउ टाइप ऑफ होनिंग जो है दोनों तरीके से हो सकती है, मैनुअल से भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है। मैनुअल में मोशन ऑफ द जॉब और होनिंग टूल इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटर, जैसे कि अभी देख रहा था आपने, ऑपरेटर वर्कर जो है अपने हाथ से कर रहा था। मशीन होनिंग में एक लेथ मशीन या ड्रिलिंग मशीन के ऊपर भी कर सकता है, लेकिन अगर लार्ज और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो वहां पे स्पेशल होनिंग मशीनिंग यूज होती है, जो कि दो तरह की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल में
सिंगल स्पिंडल मल्टी स्पिंडल होती है, हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं मोस्टली यूज फॉर लॉन्गर जॉब्स, जहाँ पे लंबी जॉब्स हैं, जैसे कि गन बैरल है, गन की बैरल है, गन का जो इंटरनल होल है जिसके अंदर से बुलेट पास होती है, तो वो क्योंकि लंबा है अगर वर्कर उसको यूज करेगा तो उसका इतना प्रिसीजन नहीं आ पाएगा, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन जरूरी होगी। तो स्पिंडल इसमें अपने एक्सिस पे चलता है, वी बेल्ट से चलाते हैं, वर्क इज माउंटेड ऑन टेबल, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बड़े प्रिसाइज तरीके से टेबल के ऊपर मार्क किया जाता है, और कटिंग ऑयल देते रहते हैं उसको जॉब को, और हॉरिजॉन्टल उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जरूरी नहीं है देना, लेकिन बहुत ही कम दी जाती है, और एक स्पेशल गेज साथ में अटैच्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो चेक कर रहा है कि एक्यूरेसी वर्कपीस की हो रही है नहीं हो रही है। वर्टिकल जो है, वर्टिकल होनिंग मशीनिंग ड्रिलिंग मशीन की तरह सही है, जैसे कि यहाँ पे आप दे रहे हैं, इसमें चक से लगता है और वो रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला था उसमें जरूरी नहीं है कि वो रेसिप्रोकेट करे, क्योंकि हमें बहुत लंबे बैरल्स के लिए यूज करना होता है, तो वहां पे हम रेसिप्रोकेशन को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे वर्क एंड टूल आर हर्ल्ड इन वर्टिकल पोजीशन, और मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल फिक्सचर की जरूरत पड़ती है। बोथ सिंगल स्पिंडल मल्टी स्पिंडल है, और जॉब लेंथ 2000 मिलीमीटर की यूज होती है। एडवांटेज क्या है होनिंग मशीनिंग की, मैंने बताया हाईली एक्यूरेट है, और जहां पे कई सारे होल्स इकट्ठे भी करने हैं होनिंग, वहां पे भी यूज हो सकता है, एक फिक्सचर और जिग के साथ यूज किया जा सकता है। रैपिड एंड इकोनॉमिकल रिमूवल ऑफ स्टॉक हो जाता है, एंड हाई प्रोडक्टिविटी देन लैपिंग, लैपिंग जो हमारा प्रोसेस होता है उससे भी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। होनिंग मशीन की यूज कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशंस वो आप याद कर लीजिए। रियल लाइफ में हम बहुत ज्यादा होनिंग को यूज करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बहुत प्रिसाइज होते हैं, जो कंप्रेशन के लिए यूज होते हैं, सीएनसी मशीन्स वगैरह की गाड़ियों के लिए, या कहीं पे भी हमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर वाले सिलेंडर यूज करने हैं वहां पे। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर्स में उनकी भी प्रिसीजन हमें बहुत चाहिए होता है। गियर्स कनेक्टिंग रॉड में, सिलेंडर ब्लॉक में, कनेक्टिंग रॉड के इंटरनल होल्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डीजल इंजन हमने देख ही लिया सिलेंडर के बोर बनाने के लिए, रॉकर आर्म्स में, गियर्स में, रोलर बीयरिंग में, बोर्स ऑफ कैनन, कैनन्स मीन्स बंदूकों की बोर में, जो हमारी तोप है उसके बोर बनाने में भी यूज होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।